सर जैसी खबरें चल रही हैं आ रही हैं, क्या उनमें कितनी सच्चाई है? आपसे कोई बात हुई है सरकार के कोरोना को लेकर कि आप खाली करिए बॉर्डर, क्या कोई ऐसी बातें आई हैं? सरकार हमसे कैसे कह देगी, कौन से मुंह से कह देगी कि आप खाली कर दो बॉर्डर? नहीं, महामारी फैल रही है तो महामारी यहाँ फैल रही है, दिल्ली में फैली, दिल्ली खाली कराओ। वही पूछ रहे हैं, कोई ऐसी बात हुई है? नहीं, अरविंद केजरीवाल जी को, मनमोहन सिंह जी को, राहुल गांधी जी को, अखिलेश यादव जी को, योगी आदित्यनाथ जी को, इनको निकालो वहाँ से, बाहर कर दो। भाई तुमसे कोरोना फैल गया, बाहर जाओ यहाँ से, आप भगा दो उन्हें। कहाँ भगाए ने? जैसे हमको भगाना चाहते हो, हमारा भी तो घर है। अच्छा, हम दिखते हैं भगाने के लिए, वो नहीं दिखते भगाने के लिए, उनको भगाओ ना। वो कोरोना नहीं है, आनंद विहार बस अड्डे पे क्या हालात हैं आज, वो नहीं दिखता आपको। वहाँ 50,000 से ज़्यादा की भीड़ खड़ी है, मजदूर हैं जो बेचारे वहाँ पर खड़े हैं भूखे प्यासे, उनके लिए जगह नहीं है, रास्ता नहीं है, कोई रोड पर बस नहीं है उनके लिए, लॉकडाउन लगा दिया। ऐसे चलती है सरकारें। पर केजरीवाल ने तो रिक्वेस्ट करी कि छोटा ही रहेगा ये लॉकडाउन, कोई भी मजदूर ना जाए दिल्ली। रिक्वेस्ट क्या चीज़ होती, मेरी समझ में नहीं आती। लॉकडाउन लगाने से पहले आपने क्यों नहीं इन संसाधनों की पूर्ति की? क्या कर रहे थे उस दिन से? हाथ पर हाथ रख करके बैठे थे, क्यों बैठे थे आप? क्या काम था आपका? सरकार कर क्या रही थी? किसी सरकार, एक सरकार ये बता दे हमने ये काम किया, कोई काम इस पर था ही नहीं। कोरोना पे कोई कार्य ही नहीं किया इन्होंने। बेड बनाते रहे हॉस्पिटल, कहाँ बना रहे हैं? अभी एक बनाया तो बन जाएगा, इतने हॉस्पिटल, इतने पब्लिक मर लेगी। केजरीवाल जी ने बनवाया तो केजरीवाल जी उसमें आप एडमिट हो जाएंगे जाकर के। अरे किसान और मजदूर अपने घर के लिए पलायन कर रहा है फिर से, फिर वही मजबूरी पैदा कर दी इन्होंने। पिछले साल से क्या सीख ली है इन्होंने बताओ ना आप, क्या है इनका? ये सिर्फ वोट की राजनीति करते हैं, वोट के लिए घूमते फिरते हैं, ये कोई काम धरातल पर करने के लिए तैयार नहीं। लॉकडाउन कारगर नहीं है? लॉकडाउन क्या कारगर है आप बता दो, लॉकडाउन कोई समस्या का हल है क्या? समस्या का हल है संसाधन, उनकी पूर्ति करना, हॉस्पिटल तैयार करना, उन पर बेड की तैयारी करनी। 500 बीजेपी के कार्यालय हर प्रदेश में, बीजेपी के बड़े बड़े 500 कार्यालय बन गए, हर कार्यालय को मजदूर और किसान के लिए खोल दें हॉस्पिटल के रूप में, कर दें कोरोना के, भाई इसमें रहेंगे कोरोना का मरीज, हर प्रदेश में है ना उनके पास, और VVIP बनाए उन्होंने सब। तो लॉकडाउन बेकार है फिर जो लगा रही सरकार, विफल रहे। क्या है लॉकडाउन में आप बता दो मुझे, नहीं तो फिर क्यों लॉकडाउन से क्या सिद्ध होगा आप बताओ, आप भी तो समझदार हो, आप ऐसी थोड़ी घूम रहे हो रोड पे, क्या होगा लॉकडाउन से? आज के जो आंकड़े आए बहुत कम आए हैं थोड़े। अरे जब टेस्ट नहीं कराओगे तो आंकड़े अपने आप कम आ जाएंगे, लॉकडाउन हो जाएगा लोग बाहर नहीं निकलेंगे, टेस्ट नहीं होंगे, लॉकडाउन नहीं लगता है तो बाहर निकल के आते हैं अपना टेस्ट कराते हैं। और जो कोरोना है आपके, अगर जुकाम और सर्दी भी होगी ना तो अभी कोरोना आएगा आपको, ये 101% लिख लो। और जो डॉक्टर कह रहे हैं कि ये स्टेप बहुत खतरनाक है, डॉक्टर भी गलत बोल रहे हैं। पिछली बार स्टेप अच्छा बताया डॉक्टरों ने, नहीं उससे तो बढ़कर है ना ये, तो फिर अब तक तो देश में बहुत कुछ हो जाता, तो कुछ दिन लेता था तो कुछ घंटों में ये हावी हो जाता। तो पहले तो लॉकडाउन जल्दी लगा दिया था, अब की बार लॉकडाउन क्यों नहीं लगा रहे? यूपी सरकार तो सुप्रीम कोर्ट में कह रही है जाकर के लॉकडाउन का हाल ही नहीं है। भी है, व्यवस्था कर रहे हैं, वो मेडिसिन भी है इस बार। 70% एम्स के डॉक्टरों को कोरोना हो गया और डबल दवाई लगा ली उन्होंने अब तक वैक्सीन, और जिन्होंने वैक्सीन लगाई उनको जरूर हुआ है। मोदी जी को हो जाओ, टिकैत साहब को हो जाओ, हो जाओ। कहा जिन्होंने वैक्सीन लगवाई है उनको सबको हो गया, तो टिकैत साहब ने तो वैक्सीन लगवाई, टिकैत साहब ने पहली वो वैक्सीन लगाई और उनका कारण है वैक्सीन लगवाने का। कल को ये ना कहते हैं कि ये किसी चीज को मानते ही नहीं इसलिए वैक्सीन लगाई। वो तो गुजरात में पासपोर्ट भी लेके गए थे, क्या गुजरात में पासपोर्ट की जरूरत होती है? वो नहीं बताया आपने क्यों लेके गए पासपोर्ट? अच्छे पासपोर्ट लेके गए। हाँ, किसी ने पूछा क्या? उन्होंने दिखाया था पूरी तरीके से मीडिया को कि मैं पासपोर्ट लेके आया हूँ, कभी ऐसा ना हो कि गुजरात देश से अलग कर दिया हो और यहाँ पासपोर्ट फाइनल कर दिया हो, पहले पासपोर्ट दिखाओ तब आप गुजरात में एंट्री लोगे। तो वो तो वहाँ पासपोर्ट भी लेके गए थे, वो मास्क भी इसीलिए लगा रहे हैं, इससे बड़ा कोई मास्क है? फिर भी हम मास्क लगा रहे हैं क्योंकि पुलिस चौराहे पे खड़ी है, यहाँ पे घूमती है, जी आप मास्क नहीं लगाते? अरे ये तो लगा रहा है, जी मास्क लगाइए आप, क्योंकि मास्क की भी कीमत बढ़ी है ना, जमाखोरी हुई है ना, वही यही दिखाया आपने, दिखाया हम तो दिखा रहे हैं आपसे बात, जमाखोरी हुई है मास्क में बहुत बड़ी। और ये कुछ नहीं है, जो अमीर है वो दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, गरीब को और मिडिल क्लास को उन्होंने खत्म कर दिया। प्रधानमंत्री जी कहते रहे कि आपदा में अवसर ढूंढिए, जो ढूंढ रहे हैं वो ढूंढ रहे हैं। हाँ तो ठीक है, यही तो चाह रहे हैं, जैसे मिडिल क्लास को और निम्न क्लास को खत्म करना चाहते हैं और अमीर को अमीर बनाना चाहते हैं, यही चाहते हैं, यही इनकी सोच है और इसके ही खिलाफ ये आंदोलन है। हम उसको होने नहीं देंगे जिसको ये चाह रहे हैं।
हम ना इन्हें देश बेचने देंगे। ये कहते थे ना मैं देश बेचने दूंगा, ना देश में झुकने दूंगा, मैं फकीर हूँ, झोला उठा के चला जाऊंगा। अब झोला उठा के कब जाएंगे ये देख रहे हैं, बस देश को फकीर बनाने की स्थिति में ले आए हैं। आप फकीर बने हैं नहीं बने उसका इंतजार किया जा रहा है। कानून वापस नहीं होंगे तो हम भी घर वापस नहीं होंगे। लोग तो चले गए। कौन चले गए भाई, कमाल कर रहे हो, मेरी समझ में नहीं आ रही। कौन चले गए? रौनक तो फीकी होगी बोल रहा। अरे भैया रौनक, मेरे रौनक रौनक कहाँ फीकी होगी? क्या चाहते हो आप यहाँ, ढोल बजे नगाड़े डेली? अरे कुछ काम है, आप किसान के घर से हैं, अगर किसान के परिवार से हैं आएंगे वो लोग, क्या उम्मीद है आपकी? अगर आप चाहो तो दो घंटे में आ जाएंगे। सरकार कान खुड़का है, सरकार कान खुड़का दे, दो घंटे में लो यहाँ, अन्य तो अपना काम निपटाए आएंगे आएंगे। सरकार को जब जरूरत पड़ेगी तब हम यहाँ, और सरकार को जरूरत नहीं तो हम अपना काम फाइनल कर रहे हैं। सरकार ये चाहती है कि हम देखना चाहते हैं तो आ जाएंगे, कौन मना करेगा? ये तो रोड़ों पे इतनी ज़बरदस्त भीड़ हो जाएगी कि आप इसे संभाल नहीं पाओगे। फिर ये कहेंगे देखो जी ये सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं मानते, ये कोरोना को भी नहीं मानते, ये कानून को भी नहीं मानते। कहाँ मानते हो? तो सुप्रीम कोर्ट ने कहाँ मान लिया, हाई कोर्ट ने लॉकडाउन लगा, सुप्रीम कोर्ट ने खत्म कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ही कहाँ मान रही है? वो तो सरकार गई थी। तो सरकार की तो खेल है सब, कोई राज्यसभा दे दी होगी उन्हें अब की बार, अब की बार तुम्हें दे देंगे, ऐसा ऐसा कर दो। यही तो काम हो रहा है इस देश में। चुनाव आयोग चुनाव जिताने के लिए प्रक्रिया बनाता है और हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट इनको लाभ देने के लिए ऑर्डर करते हैं। ये अभी हो रहा, पहले से होता था देश में? पहले भी होता था लेकिन अब बड़े स्तर पर हो रहा है, और जब अति हो जाती है तब उसका कुछ ना कुछ। बीजेपी वाले कह रहे हैं आप लोग भी राजनीति कर रहे हैं, यूपी चुनाव की तैयारी चल रही है। जिसमें भी शब्द में नीति लगी हो वो अच्छी होगी, चाहे वो कोई भी शब्द है। अगर नीति शब्द लग गया है तो कोई गलत क्या है? और ये राजनीति के बगैर समझेंगे भी नहीं, इनको समझ भी राजनीति से ही आएगी, ये भोलेपन से समझ नहीं पाएंगे। बना रहे हो पार्टी या किसे समर्थन दे रहे हो? ये हम पार्टी बनाने की जरूरत है, हम तो जिस पार्टी को चाहे उसे उखाड़ दें। ये किसान ही तो उखाड़े हैं, इन्होंने कहा था बहुत हुए अत्याचार किसान पर, अब की बार मोदी सरकार, अब मोदी सरकार का इलाज करेंगे। राष्ट्रीय लोकदल को आपने उखाड़ा? सबको उखाड़ा, राष्ट्रीय लोकदल क्या उखाड़ा? कांग्रेस को नहीं उखाड़ा, राष्ट्रीय लोकदल का केंद्र की सरकार ही कांग्रेस की थी। कांग्रेस से क्यों नहीं पूछते तुम, कांग्रेस की पूछो। देश में कांग्रेस ने राज किया था और ये मानती थी कि मेरी जड़ इतनी मजबूत हो चुकी है कि इनको कोई हटा नहीं सकता। तो फिर देश के किसान ने हटाई थी, ये बीजेपी ने थोड़ी हटाई थी, ये देश के किसान ने हटाई थी उस सरकार को। तो विकल्प के रूप में इनको चुना था, इन्होंने कहा था स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करेंगे, तब हमने इन पर भरोसा कर करके इनको वोट दिया था। तो आप पहले बीजेपी में थे? हम कहे बीजेपी में? बीजेपी ने उखाड़ा कांग्रेस को तो यहाँ से? बीजेपी किसी को नहीं उखाड़ सकती, और किसान उखाड़ सकता है, 70% देश में किसान है, इनके घर में कोई वोट बनती है? अगर ममता को उखाड़ दे पश्चिम बंगाल में, किसान उखाड़ने बीजेपी? किसान उखाड़ेगा पश्चिम बंगाल में ममता? अगर किसी को भी उखाड़ेगा और किसी को लाएगा तो वो देश का किसान और मजदूर लाएगा, बीजेपी और टीएमसी या कांग्रेस के बस की कोई ना उखाड़ना है ना कोई जमाना है। ये तो देश के किसान और मजदूर की ताकत है, वो जिस पर भरोसा कर ले, जिससे परेशान आ जाए। अभी विकल्प नहीं मिला था उनको, उन्होंने सोचा भाई मोदी अच्छा काम करेंगे, अभी 2019 के बाद तो किया है उन्होंने, विकल्प मिल गया, आ जाएगा। जब जब रास्ते बंद होते हैं तो नए रास्ते खुलते हैं। इंसानियत को देखते हुए, मानवता को देखते हुए आज पूरे देश में कोरोना की लहर चल रही है और देश के किसान पिछले 5 महीने से आंदोलन पर हैं, तो हम ये कह रहे हैं कि भाई कानून वापस ले लो। और आज एक चीज़ और आपको देखने को मिलेगी कि केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को एक ऑर्डर भेजा है कि आप जमाखोरी रोको, और 3 काले कानूनों में जमाखोरी को पूरी तरीके से उन्होंने ये कहा है कि जमाखोरी बढ़ाओ। तो ये सरकार ने मान लिया ना कि जमाखोरी, हमने जो निर्णय लिया था वो गलत है। आज केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों से कहा है कि जमाखोरी को रोको, अगर वो कानून अगर वो लागू हो गए तो उन पर क्या वो है कानून को रोक देंगे? दवाई है ना, है? दवाई है, दवाई की नहीं, जमाखोरी सबके लिए कहा है उन्होंने, बीड़ी के मंडल के भी लिए कहा है कि जमाखोर को जमाखोरी से रोकें, राज्य सरकारें और केंद्र सरकार बनाएगी कानून। पर इस जमाखोरी में तो आम इंसान भी इंजेक्शन ले लेकर अपने घरों में रख रहे हैं, ये भी तो दिक्कत है ना। अरे आम इंसान कहीं नहीं लेता नहीं है, वो भी खरीद खरीद कर रख रहे हैं। कोई इंजेक्शन आम आदमी नहीं खरीद सकता, ये गलत तरीका के जो तथ्य दिए जाते हैं ये गलत है। ये जो लेने वाले हैं और जो इसको फायदा उठाने वाले हैं वो कुछ चंद लोग होते हैं, और उसमें जो दिखाया जाएगा वो दूसरों को दिखाया जाएगा, आप उस पर पहुंच नहीं पा रहे आप। ये जो इंजेक्शनों का खेल है, आप महाराष्ट्र में जाइए क्या खेल खेला गया है, जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं वहाँ उनको वहाँ भेज रहे हैं, वो गुजरात के लिए भेज रहे हैं, जो वैक्सीन है उसको गुजरात के लिए भेज रहे हैं वो।
तो ये तो बड़ा खेल है यहाँ पे। किसानों ने अपनी रैली रोक दी है, विपक्षी नेताओं ने अपनी रैली रोक दिया, लेकिन मोदी जी नहीं रुक रहे, कैसे रुक रहे? मोदी जी इसलिए नहीं रुक रहे ना, उन्हें तो बस एक ही तो चीज चाहिए, वोट, चुनाव। वो चुनावी जीवी हैं। आंदोलन तो उन्होंने किए नहीं, आंदोलन जिन्होंने किए थे उन्होंने घर में बंद कर दिए, वो चुनाव जीवी हैं। बांग्लादेश के लिए किया तो था, भाषण जीवी हैं। तो भाषण जीवी को तो सभा चाहिए, भाषण को अकेले में दिया नहीं जा सकता। तो अब किसान मानने लगे कोरोना है देश में? देखो मैंने एक दिन पहले भी कहा था और मैं आज भी कहना चाहता हूँ, कोरोना ऐसी बीमारी है कि जैसे कि पहले यहाँ पर हमारे यहाँ पर आई है, तपेदिक आई है हमारे यहाँ पर, डेंगू बीमारी आई है हमारे यहाँ पर, चिकनगुनिया बुखार आया है, इसी तरीका से कोरोना है। कोरोना और तरीका से कुछ नहीं है, जितना इन्होंने बवंडर बना रखा है उतना कोई कोरोना नहीं है। आप बताइए, आज बताया जा रहा है कि दिल्ली प्रदेश की जो मुख्यमंत्री है उनकी घरवाली को भी कोरोना हो गया, राहुल गांधी को हो गया, सब राहुल गांधी जी को, वो कोई किसान आंदोलन में आए हैं क्या? मनमोहन सिंह को हो गया। तो मनमोहन सिंह जी कौन से किसान आंदोलन में गए बताओ आप? वो तो अपने बहुत तरीका सुरक्षित रहते हैं। नहीं नहीं सर, आप मानते हो कोरोना है देश में? नहीं है। देखो हमने ये कहा कि कोई भी बीमारी है, कोई भी चीज अगर नाम लिया गया तो है तो सही, लेकिन इस स्थिति में नहीं जिस स्थिति में ये बना रहे हैं। क्यों, जो आंकड़े रिपोर्ट आ रही सब झूठी है? ये तो खेल है बड़ा, खुल जाएगा किसी दिन पोल, आंकड़े यहीं के आते हैं क्या? आपके आंदोलन पर क्या असर पड़ रहा है? हमारे आंदोलन पर इससे क्या असर है? कुछ नहीं। जो लोग घर गए हैं वो कोरोना की वजह से गए, किस लिए गए? नहीं नहीं, कोरोना की वजह से कोई नहीं गया। आप डेली यहाँ आते हैं, डेली आप रिपोर्टिंग करते हैं, हमारा कोरोना की वजह से कोई भी एक भी किसान जाने वाला नहीं है। वो गांव में खेती में काम चल रहा है, आपको भी पता है कि गन्ने की भी काम है और गेहूं की भी कटाई है, दोनों काम बहुत युद्ध स्तर के हैं। तीसरा, हर गांव में पंचायती चुनाव है, पंचायत चुनाव जो होता है वो गांव से लगा हुआ होता है, उसमें जो प्रधान होता है वो एक एक वोट को देखता है, इस वजह से भी कुछ लोगों का वहां पर ध्यान बटा हुआ है, कहा जा रहा है इससे कोरोना से कोई मतलब नहीं है उनका। किसान यूनियन के काफी लोग चुनाव मैदान में हैं। किसान यूनियन के क्या किसान? अरे सारे किसान ही तो किसान यूनियन है, और वो किसान भी तो ये तो देखो मेरी बात सुनो, जो चुनाव लड़ता है वो जो गांव में काम करता है वो पार्टी नहीं होती है, पार्टी नहीं है ये, तो चुनाव है, और ये प्रधानी का चुनाव जो होता है ये किसान लड़ता है, क्योंकि उसे जनप्रतिनिधि बनना है, वो देश में जो सेवा करता है वो सबसे अच्छी सेवा जनप्रतिनिधि तो करता है।